आज अम्मी अबू ने कहीं पे जाना था इस वजह से मैं जल्दी उठा एंड थोड़ी देर तो मैं लेटा रहा क्योंकि अम्मी जो है नाश्ता बना रही थी और उस दौरान मैं कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहा था तो उसके बाद मैंने फेसबुक पर कुछ रील्स देखी वैसे जो भाई की बच्ची है आज मुझे उठाने नहीं आई आज मैं खुद ही उठा था खैर फिर मैंने नाश्ता किया चाय पी और थोड़ी सी जहन में वॉक की एंड अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी अबू घर से गए हैं और उसके बाद मैंने पीसी ऑन कर लिया क्योंकि मैंने एक वीडियो को एडिट करना था एंड अभी जो है उसकी रेंडरिंग हो रही है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भाई के बच्चों के पैरट्स हैं उनमें से एक जो रेड आई पैरेट्स हैं जिनके सात अंडे ख़राब हो गए थे उन्होंने एक नया अंडा दिया है और जो येलो तोती थी उसके पांच अंडे हो गए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि येलो तोती वाले के भी अंडे दिखा दूं और जो रेड आई वाले तोते हैं उनका भी आपको अंडा दिखाऊं तो बाहर जाता हूं अच्छा तो आप तोते देखते हैं ये कोला मैंने पिंजरा अच्छा तो ये जो ग्रेस है ये तो बच्चा है और ये जो येलो वाला है इसको हम पहले तोती समझ रहे थे लेकिन ये तोती नहीं है ये तोता है इस बेचारे को एक तोते के साथ तीन महीने रखा कि जोड़ी बनेगी लेकिन असल में ये तोता निकला क्योंकि ये तोता इस जो डोली में तोती बैठी हुई है इसको दाना खिलाता है और इसके साथ इसकी जोड़ी बन जाएगी और ये जो ग्रीन वाला है तोता इसकी इस दूसरी येलो वाले के साथ जोड़ी बन जाएगी क्योंकि इसको ये दाना खिलाता है पहले इस तोते को बहुत ज़्यादा कुट पड़ती थी इवन ये जो येलो वाला तोता है ये भी इस तोते को कभी कभी मारता है खैर दो बच्चे यहाँ पर चढ़े हुए हैं आ, ये जो ब्लू वाला है ये ज़्यादा उड़ता है और कभी कभी उंगली पे बैठता है और ये जो छोटे वाला है ओ, ओ ओ ओ ओ ओ, तेरी मार पड़ी है इस ये तो आराम से उंगली पे बैठ जाता है आ जा आ जा किधर गया आ जा उंगली पे बैठ जा ये चीज़ ये आराम से उंगली पे बैठ जाता है ये सबसे शरीफ तो होता है और सबसे प्यारा तो होता है और समझदार तो होता है इसको ऊपर झूले पर बैठाता हूँ अरे अरे बैठ जा झूले पे बैठ गया <laughs> अब दूसरे तोते देखते हैं क्या कर रहे हैं तो इस जोड़े ने भी अंडे दिए हुए हैं और तोती आज बाहर निकली हुई है तोती थोड़ी सी अजीब ही लग रही है खैर अंडे देखने की कोशिश करता हूँ वाह देखे पाँच अंडे हैं और अंडे देख ये आज बाहर पता नहीं क्यों आ गई है शायद पानी पीने आई है खैर अब दूसरे तोतों को देखता हूँ इनको मैं नहीं छेड़ता और यहाँ है रेड आई पैरट्स इन्होंने एक अंडा दिया हुआ है आ, तोती इधर उधर ओ ये तो दो अंडे आ गए हैं मुझे लग रहा था एक ही अंडा है ये शायद इन्होंने कल दिए अंडा या सुबह दिए इनके दो अंडे इन हो गए इन बेचारों के सात अंडे पहले ख़राब हो गए थे खैर इनको भी अब परेशान नहीं करता ये और अंडे भी देगी यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया शाम में मैं उसको पब्लिक करूँगा आज मैं आपको कुछ अच्छी नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज़ है वो रिकमेंड करूँगा एक सीरीज़ का नाम है अरकाई 81 बहुत अच्छी सीरीज़ है एंड दिमाग घुमा देने वाली सीरीज़ है इसको आप ज़रूर देखना इसकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जब इसको देखोगे तब आपको मज़ा आएगा शुरू में थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी बट बड़ी मज़े की सीरीज़ है इसके अलावा एक और सीरीज़ है लव डेथ इन रोबोट्स ये एनिमेटेड स्टाइल सीरीज़ है इसमें कहानी हर एपिसोड की डिफरेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट सी एपिसोड्स हैं ये भी एक अच्छी सीरीज़ है इसको भी देखना चाहिए फिर एक और सीरीज़ है वो है जी लॉस्ट इन स्पेस इसके तीन सीजन हैं और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और फैमिली सीरीज़ इसको मैं कहूँगा और बहुत अच्छी है इसको भी देख के मुझे बड़ा मज़ा आया था और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सीरीज़ आप देखना तो ये थे कुछ अच्छी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वैसे एक सीरीज़ मैं देख रहा था उसकी लास्ट एपिसोड अभी रहती है वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं वो देखूँगा और वो सीरीज़ कैसी है आ, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा वैसे आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं ज़्यादा बोलता क्यों वैसे तो मैं कई दफ़ा मैंशन कर चुका हूँ जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शायद था आ, लोगों से दूर भागता था और काम बोलता था और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कोई इतना बड़ा नहीं था सिर्फ कज़न्स ही थे वही दोस्त थे उन्हीं के साथ हंसी मजाक होता था या थोड़ा सा ओपन अप हो जाता था और टीन में भी ऐसे ही था और इवन स्कूल में भी मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे थोड़ी बहुत बातचीत थी बट जो दोस्त होता है जो आपको इमोशनल सपोर्ट देता है या आपके काम आता है ऐसा जो दोस्त होता है उसी को मैं दोस्त मानता हूँ वैसी दोस्ती ना स्कूल में थी और ना ही स्कूल से बाहर थी सिर्फ कज़न से उनके साथ आ, मैं ओपन अप हो जाता था इमोशनली खैर टीन में भी मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था मैं बहुत शायद था और कुछ इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए उस वजह से भी आ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ने के बजाय मज़ीद कम होता रहा और फिर जब रिलेशनशिप किसी के साथ किया तो भी डिज़ास्टर ही हुआ और उसकी वजह से और कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ एंड फिर ऑलमोस्ट आदत सी ही होगी कम बोलने की बट मैं गुड लिसनर हूँ ज़्यादा सुनता हूँ और समझता भी हूँ लेकिन मैं बोलता ज़्यादा इतना नहीं हूँ अगर किसी से बातचीत भी तो टू द पॉइंट बात करता हूँ अगर किसी टॉपिक पे बात हो रही हो तो उस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ बट ज़्यादा बातचीत नहीं करता इवन मैं रिलेटिव से भी इतनी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता और अगर कहीं बाहर जाना पड़े काम के सिलसिले में तब भी आ, टू द पॉइंट ही बात करता हूँ ये भी मैं पहले बता चुका हूँ मैं बोलता अब ज़्यादा क्यों इसके कई हैं एक तो रीज़न ये है कि कम बोलने की वजह से जो लोग हैं आपके बारे में अपनी अलीहदा से इमेज बना लेते हैं फिर कुछ लोग मनीपुलेट करते हैं आपके बारे में दूसरे लोगों को जो आपको जानते हैं एंड आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे लोग मेरी लाइफ में भी मौजूद हैं एंड फिर मैंने यही डिसाइड किया 2024 में इस साल कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा और बोलूंगा और जो लोग मुझे जानते हैं या कभी मेरे से मिले हैं अगर उनके माइंड में, में मेरी जो इमेज है वो वैसी है जैसा मैं हूँ ही नहीं और अगर किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है मेरे बारे में तो वो सब चीज़ें क्लियर हों इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ और मेरे मेरी वीडियोस वो लोग देख भी रहे हैं और वो भी वैसे हैरान ही होंगे अगेन कि मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ लेकिन रियल लाइफ में मैं इतना नहीं बोलता सिर्फ वीडियो में ही मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ बट लाइफ में कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको किसी चीज़ के लिए बोलना पड़ता है आवाज़ उठानी पड़ती है एंड मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है और इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ अदरवाइज़ रियल लाइफ में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता और ये थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में